Hello everyone, I am Nachita Yadav from Macvision Aviraj World School. तो कल मैंने 6th क्लास में फंडामेंटल ऑपरेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे. आज हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन गिवन है, ए ट्रांसपोर्ट एजेंसी परचेजेस 2 बसेज ऑफ रुपीज़ 53,32,400. द कॉस्ट ऑफ वन ऑफ दैम इज़ 21,17,000. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द अदर. एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने दो बसेज परचेज की हैं. उन दो बसेज को परचेज करने की कॉस्ट आपको गिवन है और आपको एक बस की कॉस्ट भी गिवन है, तो आपको दूसरी बस की कॉस्ट निकालनी है. तो सिंपल से क्वेश्चन से समझिए, मैंने ये कहा कि आपने दो पेन खरीदे 10 रुपये के और एक पेन की कीमत है 4 रुपीज़. तो दूसरे पेन की कीमत कितनी होगी, दूसरे पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. 10-4=6 और 6 इस दूसरे पेन की कॉस्ट आ जाती है. तो सेम वैसे ही आपको करना है. आपको देखना है कि इसमें फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का और डिविज़न का. तो आपने देखा, अगर आपको दोनों की कॉस्ट गिवन है, साथ में एक बस की कॉस्ट भी गिवन है और दूसरी बस की कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आपको पता चल गया इसमें आपको कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन लगाना है, सब्ट्रैक्शन का. क्वेश्चन को करने का प्रोसेस ये रहेगा, कॉस्ट ऑफ टू बसेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ टू बसेस इज इक्वल टू रुपीज़ 53,32,400 एंड कॉस्ट ऑफ वन बस, एक बस की कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ 21,17,000. ओके, अब हमें निकालनी है दूसरी बस की कॉस्ट. तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सेकंड बस और अदर बस, कॉस्ट ऑफ अदर बस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टू बसेस माइनस कॉस्ट ऑफ वन बस. दो बसेज की कॉस्ट में से एक बस की कॉस्ट को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो योर आंसर विल बी 0045123. आपका आंसर होगा 32,15,400. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है. अब देखिए, ये तो हो गए एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, कि भाई आप कब फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशंस अप्लाई करेंगे, कब आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे. कल वाले में मैंने आपको एडिशन का समझाया था, आज मैंने आपको समझाया है सब्ट्रैक्शन का. लेकिन कब आप मल्टीप्लाई वाला फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और कब आप डिवीज़न वाला अप्लाई करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको कॉस्ट ऑफ वन थिंग, किसी भी एक चीज़ की कॉस्ट आपको दे रखी है और वन से ज़्यादा थिंग्स की आपको कॉस्ट निकालनी है, देन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन का. वन की दे रखी है और ज़्यादा की निकालनी है, देन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन. और यदि इससे उल्टा है कि आपको मैनी थिंग्स की कॉस्ट दे रखी है, कि कितनी भी हो सकती हैं, इफ़ 10 थिंग्स की कॉस्ट आपको दे रखी है और आपको 1 थिंग की कॉस्ट निकालनी है, देन आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड. तो ये होते हैं आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस के क्वेश्चन. तो इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन करते हैं. एक कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 35,17,413 स्क्रू इन ए मंथ. क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने एक महीने में 35,17,413 स्क्रू बनाए. हाउ मैनी स्क्रू इफ़ इट कैन मैन्युफैक्चर इन ए ईयर. तो ये कितने दिन में उसने बनाए, 1 मंथ में. वो ये कह रहा है कि 1 ईयर में ये कंपनी कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी. तो अब इसमें देखिए, किसकी कॉस्ट गिवन है, कम की कॉस्ट गिवन है. कॉस्ट का मतलब यहाँ पे किससे है, मैन्युफैक्चर से, कि उसने कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करे हैं. ज़रूरी नहीं है आपको थिंग्स के लिए कॉस्ट ही दे रखी हो, किसी चीज़ को बनाने में अदर कुछ भी दे सकता है. तो आपको सिर्फ समझने का कंसेप्ट था कि कॉस्ट से मैंने आपको समझाया है. तो कंपनी मैन्युफैक्चर करे हैं उसने
एक महीने में 35,17,413 स्क्रू, तो एक ईयर में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगा? तो आप इसको लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज, क्वेश्चन को हमेशा स्टेटमेंट के साथ में करना है, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन मंथ, मैन्युफैक्चर्ड इन वन मंथ, एक मंथ में उसने बनाए हैं 35,17,413, और क्वेश्चन में पूछा है वन ईयर में कितने उसने मैन्युफैक्चर करे, तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन ईयर। अब हाउ मैनी मंथ्स इन ए ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो वन ईयर का आपको दे रखा है, तो वन ईयर इतने बनाए, नेक्स्ट ईयर इतने बनाए, नेक्स्ट ईयर इतने बनाए, ऐसे करके 12 मंथ तक उसने सेम बनाए, तो वन के लिए दे रखा था, ज़्यादा के लिए हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का, तो देयरफोर वी हैव टू मल्टीप्लाई द मैन्युफैक्चरिंग स्क्रूज, उसने कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करे हैं और कितने मंथ में, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होंगे, 12 मंथ होंगे, तो वन मंथ के हमें दे रखे थे, तो वन मंथ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रूज मल्टीप्लाई बाई टोटल मंथ इन ए ईयर, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम डिवीज़न का भी करके देखते हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को, ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने प्रोड्यूस करे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस्ड 40,24,272 टूथब्रशेस इन ए ईयर। अब किसका गिवन है आपको, एक ईयर का, एक ईयर में उसने इतने टूथब्रश मैन्युफैक्चर किए, और ये कह रहा है कि वो वन मंथ में कितने करेगा, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या है, अपोजिट है। अब ज़्यादा के लिए गिवन है, ज़्यादा के लिए कैसे गिवन है, इन ए ईयर, ईयर तो ठीक है वन है, बट ईयर में मंथ कितने हैं, 12 मंथ हैं, और नेक्स्ट उसने पूछा है वन मंथ का, तो 12 मंथ का हमें गीवन है, वन मंथ का हमें निकालना है, तो ज़्यादा का गीवन है, कम का निकालना है, तो हमें कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, डिवीज़न का। ठीक है, तो आपको इसको डिवाइड करना है 4,024,7,272 और डिवाइडेड बाई 12, जो आंसर होगा वही आपका आंसर आएगा, नंबर ऑफ टूथब्रशेज प्रोड्यूस्ड इन वन मंथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू।